हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज 1 फरवरी 2023 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था आज, क्योंकि बजट पेश किया है और काफ़ी लोग आज मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं बजट के बारे में कि बजट में क्या हुआ है। तो आई थिंक मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और जो भी इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक ऐसी ही वीडियो आपके लिए तैयार करी है, इसमें जो भी हाईलाइट्स मेजर हाईलाइट्स है पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर जो स्लैब रेट्स में चेंज हुए हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, कौन उसका बेनिफिट ले सकता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज आपके लिए लाया हूं बजट स्पेशल वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो मेजर चेंजेस है जनरल आउटलाइंस, फिर जो टैक्स रिलेटेड चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ईपीएफओ सब्सक्राइबर, इट मीन जो पीएफ के मेंबर्स हैं वो बढ़ गए, वो डबल हो गए, 27 करोड़ हो गए, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड टू बूस्ट स्टार्टअप इन एग्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड बनाया गया है। स्पेशल स्कीम लॉन्च करेंगे फिशरीज वगैरह एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। 38,800 टीचर्स एम्प्लॉय करे जाएंगे इन एकलव्य ट्राइबल स्कूल। कैपिटल आउटले ऑफ 2,40,000 करोड़ फॉर रेलवे के लिए रखा गया है। 50 न्यू एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स टू बी मेड, बहुत अच्छी बात है। 10,000 करोड़ फॉर अर्बन इंफ्रा फंड एवरी ईयर। 75,000 करोड़ फॉर 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेटअप। KYC प्रोसीजर सिंप्लीफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल KYC करने बहुत प्रॉब्लम आ रही है, KYC के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करा जाएगा और पैन को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के लिए यूज करा जाएगा। डिजी लॉकर के स्कोप को बढ़ाया जाएगा। मोर देन 39,000 कंप्लायंसेस को रिड्यूस करा जाएगा, जिसके लिए जन विश्वास बिल में अमेंडमेंट होनी है। 35,000 करोड़ फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर टू बी सेटअप। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल टू बी सेटअप। NFIR नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री टू बी लॉन्च फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ MSME क्रेडिट, जो MSME लोन होते हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करा जाएगा बाय 1%। कैसे करा जाए, 9,000 करोड़ इस चीज के लिए रखे हैं। 17 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सम्मान बचत स्कीम लॉन्च करी गई बजट में, जिसमें जिसका सेलिंग जो है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिलेगा। इसका लॉक इन पीरियड 2 ईयर्स होगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो सेविंग में विश्वास रखते हैं, बट उन्हें कोई ऐसा सेविंग प्लान नहीं मिल पाता जो सेफेस्ट हो और जिसमें रिटर्न अच्छी हो, तो उसकी ये पूर्ति यहाँ पर हो जाएगी इस चीज से। 18 पॉइंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, बट उसकी सीलिंग 15 लाख होती थी। एक सीनियर सिटीजन 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, उस लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। तो ये तो जनरल पॉइंट से, अब हम डिस्कस करने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। टैक्स एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स एंड लिथियम बैटरीज, टैक्स में एग्जम्पशन दी जाएगी कुछ कैपिटल गुड्स और लिथियम बैटरीज में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसकी कॉस्ट में थोड़े कॉस्ट कम हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। मोबाइल और कैमरा लेंसेज के जो टैक्सेस वगैरह वो सस्ते करेंगे, जिससे सस्ते हो जाएंगे। गोल्ड सिल्वर डायमंड सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे महंगे हो जाएंगे। एनहेंस लिमिट फॉर 3 करोड़, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया है, और प्रोफेशनल के केस में 75 लाख कर दिया गया है। हायर TDS लिमिट ऑफ ₹3 करोड़ फॉर कॉपरेटिव्स। न्यू IT रिटर्न फॉर्म लॉन्च करे जाएंगे फॉर इजियर फाइलिंग। 100 ज्वाइंट कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ स्मॉल अपील्स, काफी अपील्स पेंडिंग रहती हैं, वो स्पीडी हो सके उसके लिए 100 ज्वाइंट कमिश्नर्स को अपॉइंट करा जाएगा, जिससे स्मॉल अपील्स टाइमली बाइंड अप हो सके। TDS रिड्यूस करा जाएगा EPF विड्रॉल पर। सेक्शन 54 एंड 54 में अमेंडमेंट करी जाएगी। रिबेट लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्लैब रेट नंबर ऑफ स्लैब रिड्यूस 7 to 5 कर दिए गए, ये भी मैं बताऊंगा। अब अगर आपकी 9 लाख रुपए तक इनकम है, केवल 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी दिया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में, जो पहले नहीं मिलता था। हाईएस्ट टैक्स रेट 42.74 को रिड्यूस करा जाएगा। प्रपोज्ड हायर सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% to 25% कर दिया गया न्यू टैक्स रेजिम में। लीव एनकैशमेंट की लिमिट 3 लाख से 25 लाख कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी एक बेसिक आउटलाइन डायरेक्ट टैक्स की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्लैब रेट, क्योंकि जनरली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो टीचर्स हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं,
वो ज्यादा अफेक्टिव होते हैं, अफेक्ट होता है उन्हें स्लैब रेट से, क्योंकि स्लैब रेट से सारी इनकम जो हमारी चेंज हो जाती है, टैक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे ज्यादा फोन मेरे उसके लिए ही मेरे पास आए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये बजट जो एप्लीकेबल होने वाला है ये 1 अप्रैल 2023 to 31 मार्च 2024, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब आप रिटर्न करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में उसके लिए, तो आपको अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी प्लानिंग हमें नेक्स्ट ईयर करनी है। इस साल की जो 31 मार्च हमारा खत्म होने वाला है इसकी आईटीआर एज पर एग्जिस्टिंग रेट से ही जाएगी, इस साल में इसका कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला है, तो ये चीज पहले ध्यान से निकाल दें। अब आते हैं कि स्लैब रेट में क्या चेंज हुआ। दोस्तों स्लैब रेट में चेंज होने से पहले थोड़ी सी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए लास्ट बजट में या लास्ट ईयर या जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2022-2023 की अभी हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दो स्लैब रेट, ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, दो टैक्स सिस्टम है हमारे पास पहले से, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, इन दोनों के स्लैब रेट एप्लीकेबल है। बट मोस्टली सारे लोग ओल्ड टैक्स प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस सब मिल जाती हैं, न्यू टैक्स रिजीम में वो चीजें नहीं मिलती। तो अभी तक न्यू टैक्स रिजीम की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था, बट गवर्नमेंट ने अब क्या करा है, ओल्ड टैक्स को तो एज इट इज रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये आपका एज इट इज है, बट न्यू टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया है जिससे हर कोई इसमें जाए। इसमें एक तो इन्होंने स्लैब रेट में चेंज कर दिया है, ये क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको, एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी छूट मिलने वाली है, और जो आपका सरचार्ज था हायर इनकम ग्रुप के लिए उसे भी रिड्यूस कर दिया है। तो ये मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करें, और अभी तक जो बाय डिफॉल्ट जैसे हम रिटर्न फाइल करते थे बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट होता था, इसमें अब आगे से बाय डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट होगा। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स में जाना। अब स्लैब रेट एक बार मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए ये स्लैब रेट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम पहले से जो चल रही थी वो थी ये वाली, 0 से 2.5 लाख नेल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25 और 15 से above 30, ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओल्ड टैक्स रिजीम 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, ये दोनों एग्जिस्ट चल रहा था। बट अब बजट में क्या चेंज कर रहा है दोस्तों, ये ओल्ड टैक्स, ये न्यू टैक्स रिजीम जो ये वाली चल रही थी इसमें चेंज हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम एज इट इज है। न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंज कर रहा है, पहले 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट था, अब इन्होंने 3 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%, पहले ये 7 स्लैब थे अब 5 इन्होंने 5 कर दिए हैं। दूसरी चीज, पहले 2.5 लाख रुपए थी एग्जम्पशन लिमिट थी, अब 3 लाख तक कर दिए। और एक इन्होंने एक सेक्शन 87 था, 87 में बता देता हूं आपको, सेक्शन 87 में रिबेट मिलती थी 12,500 रुपए की, उसकी वजह से अप टू 5 लाख मतलब 5 लाख तक हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो इस लिमिट को भी इन्होंने बढ़ा दिया है न्यू टैक्स रिजीम में, केवल न्यू टैक्स रिजीम में। और अब आपका 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगे। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है, ये ENY कंपनी ने दे रखा है, हैज कंसिडर्ड 2 लाख वर्थ रुपीज, यहाँ पर क्या है देखिए साइड एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सैलरी दे रखी है, सैलरी इनकम बिफोर एनी डिडक्शन और एग्जम्पशन, एग्जिस्टिंग रिजीम, करंट न्यू रिजीम, एग्जिस्टिंग रिजीम मतलब जो ओल्ड वाली स्कीम चल रही है वो, करंट न्यू रिजीम जो करंट यहाँ पर चल रही है, और प्रपोज जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस हुए हैं वो तीनों। तो इन तीनों को एक कंपैरिजन बनाया है जिससे आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है। तो इसमें हमने क्या कंसिडर करा है, 2 लाख रुपए हमने डिडक्शन और एग्जम्पशन लिए इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2 लाख रुपए क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने की, बट जो अब बजट में चेंज हुआ उसमें 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। तो देखिए 5 लाख रुपए तक एग्जिस्टिंग रिजीम और जो करंट चल रही थी उसमें दोनों में टैक्स नहीं लगता था, और जो प्रपोज है उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। 5.5 लाख रुपए तक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी,
करंट न्यू रिजीम जो अभी चल रही थी उसमें कोई छूट हमें नहीं मिलती, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा। बट जो गवर्नमेंट ने अब लॉन्च करी है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 7 लाख रुपए तक जो 87A का रिबेट मिलेगा उसकी वजह से कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन बनाया है, आप इस कंपैरिजन को देखिए और आपकी इनकम कितनी है, कौन से स्लैब। अगर आप 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 75,400 एग्जिस्टिंग ओल्ड स्कीम में आएगा, 78,000 करंट जो रिजीम चल रही है न्यू रिजीम, और 54,600 जो गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है। इट मीन्स अगर 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम बजट में आई है वो लॉन्च कर वो लेने में फायदा है। बट वो स्कीम हम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम 23-24 जो आने वाला जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसकी रिटर्न जाएगी 31 मार्च 2024 के बाद। तो अभी हमें परेशान नहीं होना है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी केवल आपको क्लैरिटी हो जाए इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अभी ये नहीं सोचना 31 मार्च जो खत्म होने वाला है इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है, इसके जो एग्जिस्टिंग स्लैब चल रहे थे उसी से हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो काफी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था, जैसे स्लैब रेट मतलब बजट में बताया काफी लोगों के फोन आने स्टार्ट हो गए कि सर हम सेविंग करें, न्यू रिजीम में जाएं, क्या करें। तो आप लोगों को इसका कोई लेना देना नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, जब हम 31 मार्च 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल। तो इसकी प्लानिंग हम अगले साल मतलब अप्रैल के बाद मैं आपको बता दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैं दे दूंगा। तो दोस्तों अभी जैसे ये देख के लग रहा है जैसे आपके 10 लाख रुपए इनकम है तो जो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च करी है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, 15 लाख रुपए इनकम है तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। एक बार इसमें मैं हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें डालकर आपके सामने रख दूंगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है कि बजट में क्या क्या चेंजेस हुए, ज्यादा कुछ खास नहीं है। मिडिल क्लास के लिए ये है कि अब 7 लाख रुपए तक अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये एंकरेज कराया कि लोग न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करें, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसे फॉलो ना करें। इसकी वजह से जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना कम कर देंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स में कि सेव करने के लिए लोग इन्वेस्ट करते थे, LIC वगैरह जो भी लेते थे वो चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का बिना इन्वेस्ट करे ही टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में बच जाएगा और हो सकता है उस पैसे को रियल एस्टेट या किसी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लगाएं। तो ये थोड़ा सा इसमें बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो इंटेंशन मुझे लगी है वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम ही सब लोग ज्यादातर फॉलो करें, ओल्ड टैक्स रिजीम को आई थिंक आने वाले टाइम में खत्म कर दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम ही हम सब लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो जो बजट के लिए मैंने बनाई, अभी मैं डिटेल वीडियो भी इस पर काम करेंगे और अच्छी सी एक PPT बनाकर आपके लिए मैं लेकर आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जल्द काफी जल्दी में मैंने आप लोगों को बताया कि काफी लोग मेरे से कहे सर आप बताइए थोड़ा बहुत बताइए, बहुत फोन आ रहे थे जो मैं अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई टॉपिक लगता है डिटेल में बताने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो सबको आप मिलती रहेंगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।